कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कटिंग मेमोरियल मैदान में तमाम स्टॉलों को देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, ऐसे में इसी कटिंग मेमोरियल मैदान जो है यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया गया जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है, जिसका नाम है नंदगिरी। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न पर तैयार किया गया है और यहाँ पर जो लोग थे, जो बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजने से संकुचाते थे, उन्हें भेजने में हिचकिचाते थे, लेकिन अब आंगनबाड़ी, ये वही आंगनबाड़ी जिसको मॉडिफाई करके पूरे डिजिटल तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ पर बच्चों के लिए तमाम सुविधाएँ यहाँ पर मौजूद है। तो अब जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उन्हें अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र भेजने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। चलिए नंदगिरी प्रोजेक्ट के लिए हम बात करते हैं जो प्रोजेक्ट की सीईओ और मेदांता हॉस्पिटल की डायरेक्टर है रितु जिंगल जी से, जो हमें बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। मैम, ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, ये इसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके से इसको तैयार किया गया? तो अगर ये कहें कि ये हमारे चेयरमैन का सपना था कि कोई भी बच्चा भूखा ना सोए, फिर हमने सोचा कि क्या करें हम बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। तो ये आंगनवाड़ी जो प्रोजेक्ट है ICDS के साथ तहत हमने जुड़कर इनके लिए नई सुविधाएं दी, नई सर्विसेज दी। अगर आप यहाँ देखें, हमने डिजिटल एजुकेशन दिया है, स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल एजुकेशन। ये देखिए, ये 50 इंच का टेलीविज़न है। अगर आप देखेंगे 50 इंच के टेलीविज़न से रोज़ बच्चों को हम पढ़ाते हैं स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में। दूसरा, अगर हम देखें, हर तरीके से बच्चों के लिए पानी है, या हॉट कुक मील है, और उसको सप्लीमेंट करने के लिए हमने न्यूट्री बार दिया है। न्यूट्री बार जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से बनवाया गया है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, कि कोई बच्चा कुपोषित ना रहे। फिर हम ये सोचते हैं कि बच्चों को एजुकेशन दी, थोड़ा हेल्थ में हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद जो महिलाएँ हैं उनके लिए क्या किया जाए, तो महिलाओं के लिए हमने इसके दोपहर में जो ट्रेडिशनल आंगनवाड़ी है वो बंद हो जाती है, हमने उनके स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चालू किए हैं। तो यहाँ पे महिलाएं आत्मनिर्भर बन के खुद अपने आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रही है उनकी, ये चीज़ें सीख रही हैं। कोई रुद्राक्ष मेकिंग सीख रहा है, कोई बैग मेकिंग सीख रहा है, और आज की इनकी एवरेज आमदनी 5 से 10 हज़ार हो गई है, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो नंदघर की तरीके से बच्चों के लिए खाना, बच्चों के लिए कुपोषित ना रहें, उनके लिए कार्यक्रम चल रहा है। हमारे अनिल अग्रवाल जी जो हमारे चेयरमैन हैं, और ये विजन किसकी है, हमारे प्रधानमंत्री की, तो उसके साथ हम जुड़ रहे हैं। और आज हमें बहुत खुशी है कि जिस काम पे आज हम 6000 आंगनवाड़ी भारतवर्ष में बना चुके हैं और 1500 के करीब वाराणसी में, उसको प्रधानमंत्री सराहने आ रहे हैं। तो हमको इससे ज़्यादा क्या प्रोत्साहन मिल सकता है कि प्रधानमंत्री खुद आके ये सारी सर्विसेज और ये सब देखेंगे। आप सब से हम ये आग्रह करेंगे कि बच्चों को हम ये क्या चाहते हैं कि अटेंडेंस बढ़े, बच्चे आएँ 0 से 6 बच्चों के लिए, जिनके लिए आंगनवाड़ीज होती हैं। और आज ये देश का मॉडल आंगनवाड़ी है। भारत में आप कहीं पे चले जाएं, मेट्रो सिटी में, दिल्ली, बम्बई, कहीं पे भी चले जाएं, उससे बेहतर सर्विस है आप दे रहे हैं। और ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हम तो साथ में जुड़े हुए हैं अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की तरफ से। ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर, मतलब इसका एक वैसे ही यहाँ पे तैयार किया गया, इसका मॉडल तैयार किया गया, ये वाराणसी में कहाँ कहाँ पर है? वाराणसी के जो 6 ज़िले हैं यहाँ पे, 6ों में है और जगह जगह में है। हमने ब्राउनफील्ड भी किया है, हमने रेंटेड में भी किया है, यानी कि अर्बन में भी है, रूरल। वाराणसी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, आप चाहें सेवापुरी में जाएँ, आप नागेपुर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस वहाँ, क्योंकि हमने पहला नींव रखी थी 6 साल पहले। आप उसका देखिए और वो देखिए, 6 साल से अब तक वैसे ही चल रहा है, उसको हम हैंड होल्ड करते हैं। ककरिया में जाएं, सेवापुरी में जाएं, आप अराजी लाइन में जाएं, आप कहीं पे भी जाके देखें, सब जगह जहाँ जहाँ नंदघर है वहाँ वहाँ बच्चों की न्यूट्रिशन बेटर है, हेल्थ बेटर है। और मैं ये सोचते हूँ कि ये जो 13 लाख आंगनवाड़ी है, हम सब, हमारे चेयरमैन की विजन है, वो सब को वही नंदघर की फैसिलिटी मिले। थैंक यू मैम। हमने बात की जो इस प्रोजेक्ट के सीईओ हैं रितु जिंगल जी से, जिन्होंने हमें ये जो प्रोजेक्ट है, जो आंगनवाड़ी है, मॉडल आंगनवाड़ी, जहाँ पे जो इस वक्त जो आधुनिक फैसिलिटी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग अपने बच्चों को भेजें। यहाँ पर LED TV लगाई गई है और तरह तरह की जो पेंटिंग है, पेंटिंग के साथ साथ हर एक पेंटिंग कुछ कह
रही है, कुछ ना कुछ शिक्षा दे रही है बच्चों को। तो बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर तमाम चीज़ें लगाई गई हैं, जिससे बच्चे यहाँ पर एक होते हैं ना, आजकल के बच्चे जो होते हैं क्रिएटिविटी के साथ सीखते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर बनाई गई हैं, लगाई गई। जो ड्राइंग जो बच्चे जो कखा गगा भी सीखते हैं उसके लिए भी यहाँ पर जो बोर्ड लगाए गए हैं वो भी बड़े मॉडिफाई तरीके से लगाएँ कि बच्चे उस पर स्केचिंग करते हुए उसको बड़े आसानी से क्रिएटिव तरीके से कि वो बोर भी ना और उसे सीख जाए। इसके अलावा यहाँ पर शौचालय, रसोई घर, इन तमाम चीज़ों की भी व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए उन्हें दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि इस नंदगिरी का जो प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री के विज़न के द्वारा तैयार किया गया है, 6 साल से चले आ रहे इस प्रोजेक्ट का अवलोकन करने के लिए खुद PM मोदी कल यहाँ पर आएंगे और इसका अवलोकन करेंगे।